वो सब कुछ ही मिटा देंगे, वो सारे होश गवा देंगे। अगर तुझे एटीट्यूड तो ना यही रखो, आग इतनी भर लो अपने अंदर कि जिस काम को करने की ठान लो ना उस काम को करे बिना पीछे मत हटो। चलिए CSIR नेट दिसंबर 23 सॉल्यूशन पार्ट वन कर रहे हैं हम लोग। मॉर्निंग शिफ्ट है, लाइफ साइंसेस की बात कर रहे हैं। जब हम लोग खाना खाते हैं तो मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करते हैं, डिग्रेड भी करते हैं और फिर वहां से निकालते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैरी करने के लिए FADS2 है, NADH है, NADPH भी है और फिर हम इनसे इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कराते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, जहां बनाते हैं ATP। ये वही ATP है जो हमें सब काम करने की एनर्जी देता है। क्वेश्चन नंबर है 5, आईडी है 703021 और ये इसी कहानी का एक क्वेश्चन था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम डज नॉट कैटालाइज द ऑक्सीडेशन ऑफ सब्सट्रेट बाय रिड्यूसिंग द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर NAD पॉजिटिव। सिंपल सी बात ये थी कि इनमें से कौन सा एंजाइम ऐसा है जो NAD पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन नहीं देता। तो भाई एंजाइम के नाम है लैक्टेट डीहाइड्रोजनेस, पाइरूवेट डीहाइड्रोजनेस, सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेस और आइसोसिट्रेट। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की स्टोरी है, TCA ग्लाइकोलाइसिस वाली कहानी। तो जहां पाइरूवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनते हुए पाइरूवेट डीहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स NAD पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन देता है, तो ऐसे ही जब कभी एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा होता है तो पाइरूवेट को लैक्टेट में कन्वर्ट करते हुए या वाइस वर्सा, वहां भी लैक्टेट डीहाइड्रोजनेस के द्वारा NAD पॉजिटिव का इस्तेमाल होता है। और अब बात करते हैं सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेस की। तुम्हें याद होगा कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मेंबर है और ये TCA में भी पाया जाता है। ये कॉम्प्लेक्स 2 ही तो है जहां सक्सिनेट से इलेक्ट्रॉन निकाल करके FAD को दिए जाते हैं ताकि FADS2 बन जाए और फ्यूमरेट बन जाता है। ये वो एंजाइम था जो NAD का इस्तेमाल नहीं करता और FAD का इस्तेमाल करता है। रही बात आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेस की, तो यहां भी NAD का रोल है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कराने में। तो चलिए अब वापस देख लीजिए क्वेश्चन को, कौन सा ऐसा एंजाइम था जो NAD पॉजिटिव को नहीं लेगा। तो आंसर है सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेस एंजाइम। इसलिए मैं कहता हूँ भाई, जब भी कभी बायोकेमिस्ट्री पढ़ो तो कुछ याद करो या ना करो, लेकिन ये जरूर याद करो कि आपके फूड से इलेक्ट्रॉन निकालने का जिम्मा किसका है और इलेक्ट्रॉन NAD, FADS2 और NADPH की कहानी में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। आईडी है 703025। 15 स्पॉन्टेनियस एरा नेगेटिव म्यूटेंट्स हैं इकोलाई के दैट वर नॉट एबल टू यूटिलाइज अरेबिनोज एज अ सोल कार्बन सोर्स इन अ मिनिमल सिंथेटिक मीडियम एट 42 डिग्री सेंटीग्रेड वर आइसोलेटेड। हिंदी में बात करें, इकोलाई के म्यूटेंट हैं इनके पास जो 42 डिग्री सेंटीग्रेड पर अरेबिनोज को कार्बन सोर्स के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाउएवर इंटरेस्टिंगली ऑल दीज म्यूटेंट्स वर एबल टू यूज अरेबिनोज एज अ सोल कार्बन सोर्स एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जब 30 डिग्री का टेम्परेचर होता है तब ये इसे यूज कर पाते हैं। तो एक सिंपल सी कहानी है, एंजाइम बन रहा या नहीं बन रहा, मतलब एंजाइम बन तो रहा है लेकिन काम करता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द मोस्ट लाइकली टाइप ऑफ म्यूटेशंस। और यहां म्यूटेशंस के टाइप दे रखे हैं डिलीशन, इन्वर्जन, फ्रेम शिफ्ट और मिससेंस। अब भाई मुझे बताओ कि जोर देने पर भी अगर कोई गलत स्पेलिंग को आप सही पढ़ सकते हो तो कब पढ़ोगे, जब वर्ड होगा या वर्ड नहीं होगा। तो क्वेश्चन तो यही है ना, अगर जीन का डिलीशन ही हो गया तो फिर जीन बने कैसे, चाहे फिर टेम्परेचर कुछ भी हो। तो ये ऑप्शन तो होने से रहा। इन्वर्जन के अंदर भी सारी कहानी बिगड़ जानी है। फ्रेम शिफ्ट की तरह मान लो सारी कहानी बदल गई, प्रोटीन को चोरी बनेगा, काम नहीं करेगा। और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में तो भाई प्रोटीन बन भी रहा है तो वो नहीं है जिसकी हम बात कर रहे थे। मिससेंस म्यूटेशन वो होते हैं जहां अमीनो एसिड के बदलाव आ जाते हैं एक या दो। अब अगर ये बदलाव इस तरह के हैं जो टेम्परेचर सेंसिटिव फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं तो ये एंजाइम एक फॉर्म पर अपनी कंफर्मेशन में आएगा, दूसरे में कंफर्मेशन में नहीं आएगा और तब हम इसे कभी काम करता हुआ देखेंगे और कभी नहीं, जो कि इस क्वेश्चन में ही पूछा गया था। तो इसलिए आंसर है आंसर नंबर 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। आईडी है 703052। इन अ म्यूटाजेनेसिस एक्सपेरिमेंट द फॉलोइंग पेडिग्री वाज ऑब्टेन्ड, ऑल प्रोजेनी हैड द सेम फेनोटाइप। तो क्वेश्चन ये है कि भाई म्यूटेशन इज मोस्ट लाइकली टू हैव अकर्ड, ऑप्शन नंबर 1 है ड्यूरिंग मैच्योरेशन ऑफ एग सेल, दूसरा है इन द मैटरनल सोमेटिक सेल, तीसरा है इन द मदर इन द प्रीकर्सर ऑफ ऑल जर्म सेल्स, और फिर फोर्थ ऑप्शन है इन द एम्ब्रियो ड्यूरिंग डेवलपमेंट। तो एक सिंपल सी बात समझ लो, देखिए जब भी कभी जर्म लाइन म्यूटेशन होते हैं, मतलब जिससे सारे ऑर्गेनिज्म की सेल बनने वाली होती है स्पर्म के टाइम पर या फिर एग के टाइम पर, तो बनने वाले ऑर्गेनिज्म की सभी सेल्स के अंदर म्यूटेशन होता है। और जब उससे गैमेट बनेंगे तो भाई इस गैमेट में हाफ म्यूटेशन कैरी करेंगे और हाफ कैरी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इस केस में स्पर्म में म्यूटेशन था और एग में म्यूटेशन नहीं था। और अगर मैं बात करूं सोमेटिक म्यूटेशंस की, तो यहां पर नॉर्मल डेवलपमेंट है और एम्ब्रियन डेवलपमेंट के दौरान किसी सेल के अंदर कोई म्यूटेशन हो गया तो उन सेल से जो भी सेल बनेंगे ऑर्गेनिज्म की केवल उन सेल्स के अंदर ही म्यूटेशन होगा और वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होगा, अनलेस
अनलेस एंड अनटिल वो एग बनाने वाली सेल्स में म्यूटेशन ना हो जाए। तो अब इस बात को ध्यान में रखते हुए सोच के बताओ कि सभी बच्चों के अंदर म्यूटेशन पहुंचेगा तो कौन सा रीजन हो सकता है। पहला वाला रीजन कह रहा है ड्यूरिंग मैच्यूरेशन ऑफ द एग सेल। अगर भाई एग सेल के मैच्यूरेशन में हुआ तो जिस सेल में हुआ है केवल वही बच्चा तो इफेक्ट होगा, इसलिए यहाँ सबके इफेक्ट होने वाली बात तो नहीं बनती। दूसरा है इन द मैटरनल सोमेटिक सेल। मैटरनल सोमेटिक सेल से एग नहीं बना करते तो ये म्यूटेशन भी पास नहीं होने वाला। इन द मदर इन द प्रिकर्सर ऑफ ऑल जर्म सेल्स। अब अगर जर्म सेल्स के प्रिकर्सर सेल में म्यूटेशन हो गया तो जितने भी जर्म सेल बनेंगे सब म्यूटेट होंगी और यही जर्म सेल्स अल्टीमेटली गैमेट्स बनाने वाली हैं। तो भाई इस मदर के सारे एग में म्यूटेशन होगा जो सभी बच्चों में मुझे देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये है जो करेक्ट जा रहा है और ऑप्शन नंबर 4 है इन द एम्ब्रियो ड्यूरिंग डेवलपमेंट। तो भाई किसी एक एम्ब्रियो में होता, सब में अलग अलग कैसे हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 कैंसिल आउट हो गया, 2 गया और 1 गया, बचा क्या, आंसर नंबर 3। अब क्या ये तो भगवान ने जाने कि भाई गलती किसकी थी और म्यूटेशन कैसे हुआ और कैसे सारे बच्चों में बीमारी पहुंची। पर चलिए बिल्ली को देखते हैं हम लोग। बिल्ली के बच्चे बड़े प्यारे होते हैं और हमें सुंदर भी लगती है बिल्ली, इसलिए क्योंकि उसके कोट फर के कलर्स ये मनमोहक होते हैं। हमें यहाँ एक मोज़ेक सिस्टम देखने को मिलता है, कहीं पर कलर कुछ और है और कहीं पर कुछ और। वो तो गनीमत है कि इंसानों में कलर बनाने वाली जीन एक्स क्रोमोसोम पर नहीं होती, वरना तो ह्यूमन में भी फीमेल्स सोमेटिक मोज़ेक ही होती हैं। मतलब कुछ सेल्स में कोई एक टाइप का क्रोमोसोम एक्टिव एक्स और किसी और सेल के अंदर कोई और एक्स क्रोमोसोम एक्टिव है, और इसीलिए ह्यूमन की फीमेल्स एग्जांपल होती हैं सोमेटिक मोज़ेक सिस्टम का। क्वेश्चन नंबर 40 आईडी 703039 ये इसी बात को लेकर के था। Which one of the following statement is correct for doses compensation in humans? अब भाई dose compensation वाली कहानी कोई drug delivery की तो story है नहीं। Simple सी बात है कि महिलाओं के पास 2 X chromosome होते हैं और पुरुषों के पास 1 X। फिर भी X कोड करने वाले जितने भी प्रोटीन हैं, उन प्रोटीन की मात्रा दोनों में बराबर पाई जाती है। तो ये डोज कंपनसेट कैसे होती है, इसी को लेके ये क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर 1 है X क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन इन फीमेल्स अकर इन जायगोटिक इमीडिएटली आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ऑप्शन नंबर 2 है कि X क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन जो है नॉन रैंडम है। इन सम इंडिविजुअल्स मैटरनल X इज इनएक्टिवेटेड व्हाइल इन द अदर पैटर्नल X क्रोमोसोम इज इनएक्टिवेटेड। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, Y क्रोमोसोम ऑफ मेल इज सीन एज बार बॉडी। और ऑप्शन नंबर 4 है द बॉडी ऑफ फीमेल इज अ मोज़ेक ऑफ सेल्स Some having paternal X and others having maternal X inactivated. तो भैया देखो कहानी सिंपल सी है। जब कभी फीमेल एम्ब्रियो बनने वाला होता है तो एम्ब्रियो की बनने की शुरुआत में सेल्स में रैंडम डिसीजन होता है। मतलब किसी सेल में पैटर्नल एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेट हो जाता है और किसी में मैटर्नल एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेट होकर के बार बॉडी बन जाता है। अब इन सेल से जो नेक्स्ट सेल बनेंगी उनमें वो डिसीजन मेंटेन रहेगा हमेशा, और इसीलिए जब ये सेल्स बढ़ करके पूरे ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर रही होंगी तो अलग अलग सेल्स किस टाइप की सेल्स निकल करके आई थी उनमें मैटरनल या पैटर्नल एक्स क्रोमोसोम मुझे इनएक्टिव फॉर्म में मिलेगा। ये डिसीजन फिलहाल हम समझते हैं कि ये रैंडमली होने वाला इवेंट है और ये एम्ब्रियो की बनने की शुरुआत की अर्ली स्टेजेस में होता है। तो चलिए फिर अपने ऑप्शंस पर वापस आ जाते हैं करेक्ट आंसर जानने के लिए। ऑप्शन नंबर 1 था एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन इन फीमेल अकर इन जायगोट इमीडिएटली आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ऐसा नहीं है। जायगोट बनने के बाद भी ब्लास्टुला मोरुला स्टेजेस आते हैं जिस दौरान ये डिसीजन लिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 था एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन इज नॉन रैंडम प्रोसेस, जी नहीं ये एक रैंडम प्रोसेस है। वाई क्रोमोसोम तो महिलाओं में होता ही नहीं है। तो फिर लास्ट ऑप्शन सबसे इंपॉर्टेंट बन गया, द बॉडी ऑफ फीमेल इज अ मोज़ेक ऑफ सेल्स हैविंग सम पैटर्नल एक्स एंड अदर्स हैविंग मैटर्नल एक्स इनएक्टिवेटेड बार बॉडी के रूप में। तो जो क्रोमोसोम की फॉर्म एक्टिव होगी उसी क्रोमोसोम की अलील्स अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं और इसीलिए हम इन्हें बोलते हैं कि ये जेनेटिक मोज़ेक हैं। इस एग्जाम के कुछ क्वेश्चनों को देख करके ऐसा फील होता है कि एग्जामिनर की सुबह कुछ ऐसी गुजरी होगी, और जब ऐसी गुजरी होगी ना तो उसने क्वेश्चन क्या बना के रख दिया, कुछ ऐसा क्वेश्चन जैसे अपने दर्द को या अपने फ्रस्ट्रेशन को स्टूडेंट्स पे निकालने का। हाउ मच हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट अप्रोक्सीमेटली इन ईच नॉर्मल ह्यूमन रेड ब्लड सेल। भाई एक अकेली आरबीसी के अंदर कितना हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आई होप सभी बच्चों को एमएससी में बात पढ़ाई जाती होगी और ये तो टिप्स वाली बेसिक फाउंडेशन की स्टोरी है। एनीवे जब क्वेश्चन पूछा है तो भाई आंसर भी निकालना पड़ेगा। आमतौर पे इस प्रॉपर्टी को हम लोग ब्लड टेस्ट में एनालाइज करते हैं एमसीएच के रूप में। 29 मतलब प्लस माइनस 2 पिकोग्राम्स के रूप में पर सेल हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और इसके हिसाब से अगर मैं आंसर देखू तो आंसर है नंबर 2। लेकिन अगर एग्जामिनर को बढ़िया खाना मिला हो, दिन में सुबह अच्छा व्यवहार मिला हो, तो पता है ये क्वेश्चन कैसे बना के देगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन जैसे कि ये क्वेश्चन की आईडी है 21703029। ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ओवरवाइंडिंग ऑफ डीएनए इज कॉज्ड बाय डैश
एंड रिमूव बाय डैश। भाई ऐसे क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जैसे कि बच्चे को नंबर देने के लिए ही बनाए गए हैं। जिसने भी अपनी पढ़ाई थोड़ी बहुत ठीक से की है वो इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। भाई फंडामेंटल क्वेश्चन है कि डीएनए की अनवाइंडिंग कौन करता है? करता है हेलिकेज एंजाइम, तो दो ऑप्शन में रखा हुआ था। और फिर रिमूव कौन करता है उस स्ट्रेस को? रिमूव करने वाली कहानी आती है गायरेज की, जिससे आप टोपाइजोमेरेज के नाम से भी जानते हो। डीएनए पॉलीमरेज तो ये काम नहीं करता ना, तो ऑप्शन नंबर 3। अब अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए तो समझ में आता है कि एमएससी का सिलेबस भी बढ़िया तरीके से पूछा जा रहा है और स्टूडेंट के साथ में फेयर कंपटीशन है बाकी लोगों का, क्योंकि ये वो इन्फॉर्मेशन है जो हम अपनी मास्टर्स में पढ़ते हैं। और इंडीड एग्जामिनर को भी ये समझना चाहिए कि एनईटी एग्जाम ये एमएससी कोर्स पर तो डिपेंड होकर आ रहा है। जो हम बच्चे के सिलेबस में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे लाइफ साइंस के स्टूडेंट के, वहां के क्वेश्चन निकाल के देना कोई अच्छी बात तो नहीं है। और फिर हम ये भी जानते हैं कि भाई कॉलेज टू कॉलेज एक ही तरीके से पढ़ाई नहीं होती, सारी टेक्स्ट बुक सभी स्टूडेंट के पास नहीं होती, तो वेल इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन वो भी ऐसे जैसे बाल की खाल निकालने वाली कहानी हो तो फिर एग्जाम तो मुश्किल बन ही जाएगा ना। बट फिर भी इंपॉर्टेंट ये बात याद रखना कि जब तक तुम्हारे जिगर में आग नहीं होगी, जब तक तुम्हारा एटीट्यूड नहीं होगा, ये एग्जाम भी क्वालिफाई नहीं होगा। ये तैयारी करने के लिए बहुत हार्ड वर्क, डेडिकेशन और दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, फाइटर वाली मेंटेलिटी की। तो चलिए लड़ते रहिए, जोश के साथ पढ़ते रहिए और इस एग्जाम को क्वालिफाई कीजिए। जून 24 के CSIR नेट की प्रिपरेशन हम लोग भी शुरू कर चुके हैं। iFly के साथ ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए मुझे व्हाट्सअप कीजिए 9013902981। चलिए फिर जल्दी मिलेंगे इस वीडियो सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।